इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का 70 साल मुकम्मल हुए आज। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। कल हमने प्रोग्राम में जिक्र किया कि इस इलाके की सियासत तेज़ी से बदल रही है और अमेरिका के हवाले से जो सवाल आते उठ रहे हैं कि अमेरिका का इस इलाके से रोल किस तरीके से ख़त्म हो रहा है और चीन एक बड़ी कुव्वत बनकर उभर रहा है, और यह सब इस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात हैं उनकी दोस्ती की हम मिसालें देते हैं। हम कहते हैं हमालिया से बुलंद और समुद्रों से गहरी, और ये जो नया जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है उसमें एक तो हमारे इश्यूज़ कश्मीर को हम ले लें, कश्मीर के हवाले से क्या पेशरफ मुमकिन है इस नए इतिहाद के अंदर आने के बाद से, कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके हल के लिए ये जो नई सफ बंदी है कितनी मामून साबित हो सकती है। देखिए, मैं तो पहले दिन से तकरीबन 20 साल हो गए मैं लिखता चला आ रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमने 1948 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, और वो ब्लंडर आलमी हालात के हिसाब से भी गलत था, और वो ब्लंडर जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हिसाब से भी गलत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने बार बार अपने प्रोग्राम में सुनाई है कि जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा आपस में तबाही आएगी और दुनिया में लड़ाई और जंगें शुरू होंगी, जब बैज़ा अल-ख़राब, आपने फरमाया तो आपने फरमाया था खराब सिंध मिन अल-हिंद व खराब अल-हिंद मिन सीन, कि सिंध की खराबी जहाँ हम रहते हैं वो हिंद से होगी और हिंद की खराबी चीन से होगी। इसका मतलब यह है कि रसूल अकरम सल्लम ने एक फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन दी थी कि तुम्हारा दुश्मन इंडिया होगा, हिंद का इलाका होगा, और हिंद का दुश्मन चीन होगा। तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होना चाहिए था, लेकिन हुआ यह कि हमने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाया। हमने पता नहीं कितने लाखों मील दूर जाके हमने अमरीका को अपना दोस्ती और चोली में डाली। अगरचे कि चीन जो था, जिस वक्त हमने फैसला किया, चीन दुनिया के नक्शे पर अभी चीन नहीं था, अभी वहां पर चियांग काई शेक की हुकूमत थी, मौज़ेदुंग लॉन्ग मार्च कर रहा था। 49 के करीब करीब आके चीन जो है आजाद हुआ, और आप अंदाजा करें कि वहां से भी अमेरिका चियांग काई शेक की मदद करने गया था लेकिन दुम दबा के भागा था। और चीन के अंदर एक नारा जो था लगा था कि हम एक पीजेंट्स के थ्रू इंकलाब लेके आएंगे। पाकिस्तान के तमाम कम्युनिस्ट थे वो समझते थे कि चीन वो वाहिद मुल्क है कि जिसका नजरिया पाकिस्तान के करीब है। क्यों? इसलिए कि रूस के अंदर थी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री थी, वहाँ मजदूर होते थे, और यूरोप का मॉडल था, मजदूरों को इकट्ठा किया, इनकलाब ले आए। चीन के अंदर किसान था, मौजूदों का सारे का सारा मार्च जो था किसान का मार्च था, तो समझते थे किसान जो थे, और पाकिस्तान में भी किसान। इसलिए आपको याद होगा कि 71 में जो सबसे बड़ी रैली हुई थी टोबा टेक सिंह में हुई थी, जिसमें अब्दुल हमीद भाषानी आया था और फैज साहब आए थे, और जिसमें वो खास वो नज़म पड़ी गई थी लाजम है कि हम भी देखेंगे। और वो एक उनकी और से उठो कि जब जब मैं सरफरोश पड़ेंगे दारो रसम के नाले, कोई नहीं होगा जो संभाले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पर रोज़े हिसाब होगा। तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया था कुफर के कलमे, लेकिन मूवमेंट चल रही थी। 71 के करीब करीब हमारी दोस्ती बहुत चीन के साथ बननी शुरू हुई है, और इसमें जो आर्किटेक्ट था बेसिकली ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था कि जिसने बहसियत फॉरेन मिनिस्टर चीन के साथ दोस्ती शुरू की। उसकी एक वजह थी कि भुट्टो का टेंथ था वो थोड़ा सा टिल्ट था कम्युनिज्म की तरफ, सोशलिज्म की तरफ। आप अंदाजा करें सोशलिज्म हमारी कुदरत शाह साहब जब गए हैं मुहम्मद मुत्तहदा में, तो चुएन लाई ने पहला वफद जो था वो चीन गया था वहां पर। तो कहते हैं चुएन लाई ने अपने सफारतकार को जो काम मुद्दा में जा रहा था उसको एक चिट दी थी। अच्छा। और चिट के लिखा हुआ था फॉलो शहाब। अच्छा, तो ये बकायदा हमने वो चिट भी देखी है नसीम बेग साहब को, फॉलो शहाब, ये उसने बकायदा चाइनीज में लिख के और अंग्रेजी उसका तर्जमा उन्होंने बाद में किया, वो उन्होंने दी हुई थी। इस हद तक यूनेस्को में भी। बाकी जो वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। गाइज, ये कब्र देख रहे हैं आप, कब्र में पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं आप। ये अभी ओरिया मकबूल जान ने बात की है कि कुरान और हदीस में लिखा है चीन करेगा हिंद की बर्बादी। हालांकि इस बार इसने बड़ी
चालाकी से, मतलब ये बोल दिया कि कुरान हदीस में लिखा है कि चीन करेगा हिंद की बर्बादी, लेकिन हम तो सिंध में रह रहे हैं। मतलब अब बताओ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ये बंदा। हालांकि ये बातें बहुत बार कर चुका है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। पिछली बार इसने ये बात की थी कि खाली ये बात बस की थी कि चीन करेगा हिंद की बर्बादी, ऐसा कुरान हदीस में लिखा है, इस बार फिर किया। पहली बात तो मैं इसको काउंटर करते हुए ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, जो हिंद है वो सिंध का, मतलब सॉरी, सिंध एक हिंद का पार्ट है। आज भले वो आपके पास है और चीन है आपके इलाके में, आपका है वो पार्टनर, आपके साथ कर रहा है सीपैक, तो ये जो कुरान हदीस की बातें ये सच भी हो सकती है। आप हो सिंध में और वो हिंद का पार्ट था, तो आपको डेफिनेटली वो बर्बाद कर सकता है इस नज़रिए से, ठीक है। तो वो आपको क्या पता ईस्ट इंडिया कंपनी 2 बन जाए, कुछ सालों बाद आप कर्जा वर्जा चुका ना पाओ तो वो कुछ ना कुछ कर देगा आपके साथ, हो सकता है। गाइस दूसरी बात, मुझे समझ में नहीं आता ये हर तरीके की इसकी बर्बादी उसकी बर्बादी, ये दुश्मन है, ये काफिर, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है, इस तरीके की अगर बातें लिखी हैं, और मुझे नहीं पता इसके बारे में कन्फर्म कि ये लिखी हैं या नहीं लिखी, ये लोग कोट करते हैं, तो फिर यार क्या है यार, मतलब यार इतना हेट्रेड दूसरे धर्मों के खिलाफ, इतनी फालतू की बात है, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा गाइस। इसका डिसीजन तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हर चीज़ का उपाय, हर चीज़ का ये और वो फलाना ठिकाना लिखा है इसमें, ठीक है। या ये लोग मिसकोड करते हैं, ऐसा भी हो सकता है मिसकोड करते हो, भड़काते हो लोगों को। अब इस तरीके की चीज़ें, अब आज से मतलब जो कुरान हदीस आई होंगी 1400 साल पहले आई होंगी, 1400 साल पहले ना चीन था दुनिया में, आपको भी पता है चीन तो था ही नहीं, और जो हिंदुस्तान था उस टाइम पे हिंद नाम से ये जाना ही नहीं जाता था, आपको ये भी पता है। तो गाइज मुझे नहीं पता इस बारे में मैं और क्या बात करूं, इन बेवकूफ़ों के बारे में क्या बात करूं। हालांकि मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अगर आपकी ये कुरान हदीस वाली बात जो है वो अगर लागू भी होती है तो वो आप पे ही लागू होगी, क्योंकि आपके हिस्से में घुसा हुआ है चीन, और चीन आपके साथ सीपैक कर रहा है, और सीपैक का काम आपको भी पता है कितना अच्छा चल रहा है। जैसा हम्बन टोटम में श्रीलंका के साथ किया, चीन ने 99 ईयर्स के लिए उनका एक बंदरगाह ले लिया, उसी तरीके से आपके साथ भी वो कुछ करेगा और वो आपको पिलेगा। चीन एक ऐसा देश है जो लोन नहीं, वो मतलब भीख नहीं देता है, लोन पे पैसा देता है, तो लोन पे ही आपके पास जो है पैसा है। अब देखते हैं, ब्याज पे ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा चुकाना होगा, तब आपकी अकल ठिकाने आएगी। तो गाइज आपके क्या व्यू है इस बारे में, ये जो कुरान हदीस को कोट कर करके कर करके इस तरीके की चीज़ें निकालते हैं और पता नहीं क्या बताते हैं, तो फिर तो सीरियसली मतलब हद है। कोई भाई अच्छी बातें भी बताओ, यही बताओगे क्या? और इसी तरीके की चीज़ें, मतलब कल परसों ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे मतलब ये काफिर और ये फलाना ठिकाना, मैं उन बातों को भी मैं क्या रिपीट करूँ, वही बातें, हेट्रेड 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 और कुछ है नहीं। और इन्हीं चीज़ों का आजकल एक्शन का रिएक्शन हो रहा है दुनिया में, हर जगह एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, फिर वही रोना चालू, मतलब समझ रहे हो आप। तो प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।